तो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो देन गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग सिंपली बात करने वाले हैं कि गाइस आजकल के जो डिवाइसेज हैं, जैसे कि मेरा ये पोको एक्स थ्री प्रो है, तो गाइस इसमें टच इशू बहुत ज़्यादा आता था मेरे को। और जैसा कि बहुत ही लोगों को आता है, तो गाइस बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि इसको सही कैसे किया है। या अदर डिवाइस का टच इशू है, तो गाइस उसमें सिंपली होता है ऐसा है कि आपका फायरिंग रुक जाता है, या तो गाइस आपका स्कोप नहीं खुलेगा या मूवमेंट नहीं होगा। भाई ऐसी ही समस्या आती रहती है। पहले मैं बता दूं गाइस, अगर आपका डिवाइस इससे पहले छोटा है तो गाइस आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गाइस छोटे मोबाइल का हैंडल करना भाई बहुत ईजी होता है भाई छोटे मोबाइल को। और गाइस बड़ा मोबाइल जो हाथ में आता है ना गाइस, उसको बहुत सारे लोग पकड़ नहीं पाते हैं ढंग से, तो इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और गाइस आप गाइस मतलब क्या बोलते हैं, तो गाइस मैं बोल रहा था कि गाइस जैसे कि आप सबके हैंड में जो बॉडी मसल्स होते हैं ना, तो गाइस सिंपली वो मसल्स जो हैं आपके डिस्प्ले पे टच होते रहते हैं, जिससे वजह से ये दिक्कत ज़्यादा आती है। तो मैं बताता हूँ कि डिवाइस को पकड़ना कैसे है। तो गाइस वीडियो में आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह से आपको डिवाइस को बिल्कुल नहीं पकड़ना है, जिससे कि आपका लेफ्ट और राइट साइड का फिंगर जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले पे हो जाए। तो गाइस जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि गाइस बॉडी में कई सारे मसल्स जो हैंड के होते हैं वो टच होते रहते हैं। तो गाइस इसके लिए गाइस सबसे सिंपली यही है कि गाइस आपको डिवाइस अच्छे से पकड़ना होगा, जिससे कि आपका जो मेन जगह है जहाँ पे फायरिंग और स्कोप वगैरह दिया है, तो वो सिंपली टैप हो। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं गाइस, उसके लिए सिंपली आप ये कर सकते हैं कि आपके नाखून के साइड से जो आगे वाला हिस्सा होता है गाइस, उससे आपको टैप करना है, ना कि गाइस पूरा डिस्प्ले पे देखे। तो गाइस बस इतना करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना गाइस, तो कमेंट करो मेरे को, मैं बताता हूँ उसके आगे करना क्या है फिर।